शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, वीकली कॉल कॉल में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, पिछले हफ्ते के अंदर मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा, जहां हमने देखा वीक ऑन वीक में गोल्ड 51,177 का लेवल ओपन हुआ, अच्छी तेजी दिखाई, बट प्राइजेस हायर साइड में सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमने देखा 51,400 के करीब का हाई लगाया जरूर, बट मार्केट वापस 51,000 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट मार्केट फ्लैटिश टोन के साथ बंद होता हुआ दिखा। वहीं चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने 62,200 का लेवल ओपन जरूर हुआ गैप अप से, बट कहीं ना कहीं मार्केट में हायर साइड में 63,000 का लेवल नहीं तोड़ पाया और गिरावट के साथ 0.5% की गिरावट के साथ 61,700 पे जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। ये काफी सरप्राइजिंग है बिकॉज इंटरनेशनल में 1,850 और गोल्ड के लिए वहीं चांदी के लिए $22 काफी इंपॉर्टेंट महत्व वाले लेवल थे। नो डाउट गोल्ड ने 1,851 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, बट चांदी 22 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। ये काफी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर 22 के ऊपर निकल जाता तो हम समझते हैं कि टेक्निकली काफी अच्छी तेजी का एक ब्रेकआउट हुआ है, बट वापस 22 के नीचे आना थोड़ा कंसर्निंग मार्केट के लिए रहेगा। तो इन ऑल अगर आपको देखना है अगला हफ्ता तो डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, बट कहीं ना कहीं मेक एंड ब्रेक सिचुएशन सोने और चांदी में बनी रहेगी। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम एनर्जी पैक की बात करें तो एनर्जी पैक के अंदर हमने कच्चे तेल में 0.4% की तेजी बनती हुई देखी, जबकि नेचुरल गैस में हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग, जहां पे हमने 0.5% की गिरावट के साथ प्राइजेस 670 के नीचे क्लोज होता हुआ देखा नेचुरल गैस के अंदर, और कच्चे तेल के अंदर हमने 4% के करीब की तेजी देखते हुए 92.35 पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। एज ऑफ नाउ ओपेक मीट के अंदर ये निकल के आया है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो आने वाले दिन महीनों में मार्केट में सप्लाई होती रहेगी 6.48 मिलियन बैरल्स की, बट कहीं ना कहीं डिस्पाइट इट कोई बड़ा तेजी नहीं ले पा रहा है बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि सप्लाई साइड कंसर्न्स बने हुए हैं, यूरोप ने कुछ सैंक्शंस रशिया पे कंटिन्यू लगा रहा है जिसकी वजह से रशिया काफी दबाव में है, इनफैक्ट प्रोडक्शन भी घटा है, बट जिस दिन से इन्फ्लेशन बढ़े हुए हैं सभी इकोनॉमी की कंसर्न यही है कि कच्चे तेल का भाव नीचे जल्द से जल्द लाना चाहिए। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट में इसलिए भी दिखाई दे रहा है क्योंकि वन साइड हमने रैली बनते हुए देखी, लेकिन टेक्निकली साथ में अगर हम देखें तो ब्रेंट और WTI दोनों ही 120 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखाई दिए, जो कहीं ना कहीं एक काफी बड़ा ट्रिगरिंग है बिकॉज ब्रेंट के मुकाबले WTI में बड़ी तेजी आने का कारण ये भी है कि US में कंटिन्यू इन्वेंट्री में फॉल आते जा रहा है। जो स्प्रेड है ब्रेंट और WTI में वो मात्र अब $1 का रह चुका है, जो संकेत देता है US साइड से भी सप्लाई कंसर्न्स बनी हुई है जिसके चलते प्राइजेस में सपोर्ट है। अगले हफ्ते में टेक्निकली मार्केट हो सकता है थोड़ा पुलबैक दिखा दे, बट एक ब्रॉडर रेंज बन चुका है जो 9500 से लेके 8500 का कच्चे तेल के लिए है, और नेचुरल गैस में भी 620 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इन मोटा मोटी हम बोल सकते हैं 600 से 700 का एक बड़ा दायरा है। इनिशियली गिरावट ले सकता है बट जब तक प्राइजेस 570 के नीचे क्लोज नहीं देता है ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो चाइना मार्केट ओपन होने की वजह से एक मार्केट में उत्साह था जिसके चलते हमने कॉपर में करीबन 3% की तेजी आते हुए देखी, जिंक के अंदर 1.5% की तेजी आते हुए देखी, लेड में 0.5% की गिरावट और एल्यूमिनियम में 3.5% की गिरावट बनते हुए देखी है। उम्मीद ये है कि चाइना ओपन है और जो स्टेप्स लिया जा रहा है चाइनीज गवर्नमेंट से उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे, बट दूसरी ओर इन्वेंट्री में भी जो गिरावट है वो भी सपोर्ट दे रहे हैं। बट खास करके एल्यूमिनियम की बात करें तो हमने देखा चाइना के अंदर एल्यूमिनियम प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ता दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से फ्रेश सेलिंग के चलते प्राइजेस 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। बट अगर हम यूरोप और संघाई के प्रीमियम्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूरोप के अंदर पावर क्राइसिस के चलते कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में हॉल्ट है जिसकी वजह से प्राइजेस को आने वाले दिनों में सपोर्ट वापस मिल सकता है, बट गौरतलब है कि जिस ढंग से इकोनॉमी को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है बेस मेटल का सहयोग कंटिन्यू रहेगा, तो अगले हफ्ते के लिए भी कॉपर जिंक स्ट्रांग दिख रहे हैं,
प्राइजेस में गिरावट ड्यू था बिकॉज एलएमई बंद था, संघाई बंद था, उसके बावजूद मार्केट में जो तेजी डोमेस्टिक मार्केट पे आई थी वहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग होना बहुत लाजमी थी। तो प्राइजेस में हो सकता है 790-795 तक का पुल बैक दिखे कॉपर में, बट अगले हफ्ते में या 15 दिन की बात करें तो 820 तक का लेवल कॉपर दिखा सकता है। जिंक के अंदर भी 330-32 के करीब लेके चलिए 338 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम 230 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, जब तक वो होल्ड कर रहा है पॉसिबिलिटी हम वापस 240 तक का लेवल देख पाए। लेड पिछले 6 महीने से हमने देखा 180 के नीचे नहीं जा पा रहा है और 188 के या 190 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इन ऑल हमें लगता है लेड के प्राइजेस के अंदर ये तेजी, ये रेंज कंटिन्यू रहेगा, 183 के करीब हम लेड को लेके चलेंगे। ओवरऑल बेस मेटल में बाय वन ड्रॉप की रणनीति अपना के ट्रेड करना चाहिए। फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं, बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।